नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की इकोनॉमी वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड के 3032 NX ट्रैक्टर के बारे में। किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी बढ़िया काफी अच्छा ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक छोटा ट्रैक्टर चाहिए, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 5 लाख से लेकर तकरीबन 5,60,000 के बीच में रहती है। कीमत जो प्लस माइनस होती रहती है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे वेरिएंट के साथ, ज़्यादा अच्छे ऑप्शन के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं, तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको महंगा मिलेगा। अगर आप पावर स्टीयरिंग लेते हैं या फिर आप अगर ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेरिएंट के साथ ट्रैक्टर को खरीदते हैं, तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको सस्ता मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपको कौन कौन से फीचर्स जो है अपने ट्रैक्टर में चाहिए। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको सिम्पसन का इंजन मिल जाता है। काफी बढ़िया इंजन है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2365 सीसी की पावर जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2000 आरपीएम जनरेट करता है। काफी अच्छे आरपीएम जो इस ट्रैक्टर के इंजन में आपको देखने को मिल जाते हैं। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको ऑयल बाथ टाइप विद प्री क्लीनर वाला एयर फिल्टर मिल जाता है। काफी अच्छा एयर फिल्टर है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको केवल और केवल सिंगल क्लच ही मिलती है। इसमें आपको डुअल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता है। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो सिंगल क्लच जो है काफी बड़ी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ट्रांसमिशन टाइप की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको कॉन्स्टेंट मैच वाला AFD वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। गियर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको 8 फॉरवर्ड गियर मिल जाते हैं, 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया काफी अच्छे गियर जो है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्टर के स्पीड के बारे में, तो फॉरवर्ड गियर पे जो है सेक्टर की स्पीड है वो तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक्टर भाग सकता है। काफी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। रिवर्स स्पीड की अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। काफी अच्छी जो है रिवर्स स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ट्रैक्टर जो काफी अच्छी स्पीड पर भागता है, परफॉर्मेंस ट्रैक्टर काफी बढ़िया देता है। भले छोटा इंजन क्यों ना हो, लेकिन ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में जो आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर में जो है आपको ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक वाला ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक के साथ वाला ब्रेकिंग सिस्टम ले सकते हैं, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट उतना अच्छा नहीं है, फिर आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ भी इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस के बारे में। तो विद ब्रेक जो ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस है वो है तकरीबन 2810 mm। काफी बढ़िया टर्निंग रेडियस जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी वो है तकरीबन 1500 किलोग्राम। काफी अच्छी काफी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसमें जो आपको 3 पॉइंट लिंकेज वाली लिफ्ट मिल जाती है, काफी अच्छी लिफ्ट है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के स्टीयरिंग टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप पावर स्टीयरिंग भी इस ट्रैक्टर के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आपको एक नॉर्मल ट्रैक्टर चाहिए, तो आप मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ भी इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की फिल्टरिंग की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 42 लीटर की फिल्टरिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया काफी अच्छी फिल्टरिंग की कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एवरेज जो इस ट्रैक्टर का काफी बढ़िया है, तो 42 लीटर की जो फिल्टरिंग की कैपेसिटी है वो सफिशियंट रहेगी इस ट्रैक्टर में आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ इसमें आपको 6 स्प्रिंग टाइप वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। काफी अच्छे पीटीओ टाइप है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के आरपीएम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है। काफी बड़ी आरपीएम जो इस ट्रैक्टर का पीटीओ जनरेट करता है। पीटीओ के हॉर्स पावर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ तकरीबन 34 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। तो आप नॉर्मल साइज का रोटर वेटर जैसी मशीनरीज आराम से यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी पीटीओ की परफॉर्मेंस जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के फ्रंट टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 6x16 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के पिछले टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 12.4x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 13.6x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका रनिंग वाला काम ज्यादा है, आपको ट्रैक्टर का ज्यादा यूज करना है, तो आप बड़ा टायर साइज ले लीजिएगा। फिलहाल 13x28 का जो टायर साइज है वो काफी बढ़िया रहता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप 13.6x28
28 का टायर साइज लीजिएगा इस ट्रैक्टर के साथ। भले 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो लेकिन काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर परफॉर्मेंस देता है और कहीं ना कहीं आपको टायर साइज जो है काफ़ी अच्छे बेनिफिट इस ट्रैक्टर में देगा। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन और वेट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के टोटल वजन के बारे में तो ट्रैक्टर का जो टोटल वजन है वो तकरीबन 1720 किलोग्राम, काफ़ी बढ़िया ओवरऑल वेट जो है इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की ओवरऑल लंबाई के बारे में तो ट्रैक्टर की जो ओवरऑल लंबाई वो है तकरीबन 3290 mm, ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 1660 mm, व्हील बेस की अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 1930 mm, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 385 mm। तो ओवरऑल साइज जो है ट्रैक्टर का काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इस ट्रैक्टर के आगे के फ्रंट के वेट की बात करें तो वो है तकरीबन 700 किलोग्राम और पीछे के वेट की अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 1020 किलोग्राम। तो काफ़ी नपतोला वेट जो है इस ट्रैक्टर में दिया गया है, साइज भी काफ़ी बढ़िया इस ट्रैक्टर का दिया गया है। ट्रैक्टर जो आगे से उठता नहीं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आपको लोडिंग के पर्पज़ से ट्रैक्टर चाहिए या फिर आपको ढुलाई वगैरह के काम के हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए या फिर आपको नॉर्मल खेती के हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के ड्राइव के टाइप के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर आपको केवल और केवल टू व्हील ड्राइव में ही मिलेगा, ये ट्रैक्टर जो आपको फोर व्हील ड्राइव में नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में। इस ट्रैक्टर में जो आपको तकरीबन 6 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, तकरीबन 6000 घंटे की जो है इस ट्रैक्टर में आपको वारंटी मिल जाती है। एक लो बजट ट्रैक्टर होने के हिसाब से काफ़ी अच्छी वारंटी जो है इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम है, पार्ट्स भी काफ़ी आसानी से इस ट्रैक्टर के मिल जाते हैं और ट्रैक्टर भी काफ़ी बढ़िया, रीसेल भी इस ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल किसान भाइयों इतनी जानकारी न्यू हॉलैंड के 3032NX ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल किसान भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।